किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के गांव कुलताजपुर के पास एचपी गैस गोदाम के समीप बीती रात्रि युवक के साथ हुई लूट और मारपीट। युवक ने थाना किशनगढ़ बास में करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ 1 लाख रुपए लूटने व मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर युवक से लूटे 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन। लुटेरे युवक को बंधक बनाकर ले सुनसान जगह पर सरसों के खेतों में ले गए, फिर मारपीट कर लूटे रुपए। लुटेरों ने युवक की कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर जान से मारने की धमकी दी, फिर बनाया वीडियो। वीडियो बनवा कर कहलाया कि मैं ओलेक्स और टटलूबाजी करता हूं। मामले में पुलिस कर रही है पूछताछ। जी हां, किशनगढ़ बास थाना में एक करीब 25 वर्षीय युवक ने एक दर्जन लोगों के खिलाफ 1 लाख रुपए लूटने व मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित युवक ग्राम पाटा थाना व तहसील नौगवां जिला अलवर राजस्थान निवासी साहिल पुत्र साहब खां मेयू में थाना किशनगढ़ बास में मामला दर्ज कराया है। 4 फरवरी की रात्रि को अपनी बुआ के गांव तहटड़ा से अपने गांव के लिए किशनगढ़ बास की ओर आ रहा था कि किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के गांव कुलताजपुर के पास एचपी गैस गोदाम के समीप करीब एक दर्जन लोगों ने उसे रोक लिया और उसे बंधक बनाकर सरसों के खेत में ले गए। लुटेरों ने पिस्तौल की नोक कर युवक से उसके पास से 1 लाख रुपए लूट लिए और उसके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की व कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर जान से मारने की धमकी दी। उसका वीडियो बनाकर उसमें कहलवाया कि मैं ओलेक्स और टटलूबाजी करता हूं। बदमाशों ने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर उससे जबरन उसके बैंक खाते के पिन संख्या पूछकर मोबाइल से 1 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा दिए। उसके पास से 1 लाख रुपए नगद व मोबाइल फोन छीन लिया, उससे मारपीट कर उसे अधमरा कर दिया। नाम सोहेल खान है, मैं गाँव पाटा का रहने वाला हूँ। तो मैं 4 तारीख को मैं टहटड़ा अपनी फूफी के घर पर आया हुआ था कुछ पैसे लेने के लिए। तो मैं शाम को पैसे लेके निकल रहा था घर की साइड के संगठ पे, तो अपना जो एचपी का जो गोदाम है इधर कुछ 10-12 लोग खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे घेर लिया, मेरे सर पे बंदूक लगा दी और मारा पीटा और मेरे पैसे छीन लिए और फिर मुझे वहाँ से वो उठा के ले गए सरसों के खेत में। फिर वहाँ पर मैं उन्होंने मारा और फिर मेरे अकाउंट में जो पैसे थे वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिए। मेरा पिन व पासवर्ड पूछ गए और फिर मुझसे उन्होंने बोला कि और पैसे दे कि तेरी लोकेशन आई है, तू 1 करोड़ का आदमी है, तेरी होटल चल रही है चेन्नई में है और तू और पैसे देगा। तो मैंने कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खुद इधर पैसे लेने के लिए आया हुआ था। तो उन्होंने फिर मुझे मारा और फिर उनके पास मैं कॉल जा रहा था इधर से, ये साजिद और समेदीन का, इन्होंने फिर कॉल के उनके से वो बात करे थे, उन्होंने दारू पे रखी थी तो नाम ले रहे थे बार बार उनका कि तू अभी और पैसे देगा। फिर उन्होंने मुझे मारा और फिर मैंने कॉल लगाया मेरे गांव का जो सरपंच है पप्पू सरपंच, फिर मैंने उसको कॉल लगाया कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला बेटा क्या हुआ, कि मैंने बोला कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, बस मुझे अर्जेंट है, आप मुझे पैसे डाल दो। तो उन्होंने 50,000 रुपये डाल दिए, फिर 50,000 मैंने अपने एक दोस्त है मेरा आमिर नाम का उसे डलवाए मैंने, बाकी मेरा 2-2.5 लाख रुपए उन्होंने ले लिया, मेरे फ़ोन वगैरह छीन लिए और मुझे बुरी तरह मारा है उन्होंने। मामले की मैं रिपोर्ट करा रहा हूँ।